नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा में हो रहे तमाम विकास कार्यों में हो रही देरी की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल रीवा के सिरमौर चौराहे से रतहरा बाईपास तक बन रही सड़क की हालत में है। निर्माणाधीन सड़क के कार्य में कोई प्रगति नहीं हो रही है, जिस वजह से धूल के बादल छाए रहते हैं, जिससे सड़क किनारे जो दुकानें हैं उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। साथ ही आवागमन में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि सड़क निर्माण में इतनी देरी क्यों? वर्षों बीत जाने के बाद भी प्रशासन तथा जिम्मेदार अधिकारी और तमाम वह लोग जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, आखिर इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आखिर ये सब लोग जनता को क्यों परेशानी में डाल रहे हैं? गुड मॉर्निंग टीवी ने वहाँ के व्यापारियों से बात की और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की, तो पता चला कि उनका पूरा व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। व्यापार ठप हो चुका है, आने जाने वाले लोगों को धूल का सामना करना पड़ता है। और आगे बताते हैं कि जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं उसमें धूल जम जाती है, उनकी गुणवत्ता में कमी आती है, जिससे ग्राहक अब इस शोर में व्यापार या खरीदार करने नहीं आते हैं। इसका कारण वही धूल है, क्योंकि वस्तु बहुत पुरानी दिखने लगती है। अब देखना है कि प्रशासन के कानों में इनकी पीड़ा कब तक पहुंचती है और रीवा के रहवासियों को कब तक धूल से निजात मिल पाती है। व्यवसाय तो देखिए बहुत प्रभावित है। पहले यहाँ पेशेंट नहीं आना चाहते, आते भी हैं तो दुकान तक पहुँच ही नहीं पाते। आप एक महीने से ये गड्ढा खोद दिए हैं ना, तो यहाँ कौन चढ़ेगा? और सीढ़ी भी बनवाएं तो हमारा घर थोड़ी ना है, ये तो दुकान मालिक करेंगे, वो भी कैसे कर पाएंगे? जब प्रशासन ही पूरा मौन है, कम कोई चिंता ही नहीं, पूछो नगर निगम तो और शांत है, झाड़ू उल्टा लगवाते हैं, वो धूल तो आता ही है। सवेरे देखो सब दुकानों की तरफ झाड़ू लगाते हैं, ये क्या सिस्टम है? हाथ इकट्ठा करो, एक जगह इकट्ठा करो, कचरा फिर फेंको। चार पाँच महीने से ये रोड बन रही है, डस्ट के कारण ये जो इसमें गिट्टी वाली डस्ट पड़ी हुई है, एक तो हम लोगों को हो जाएगी टीवी इस्तेमाल। और आप कितने भी खिलौनों उलौनों को सबको देख लीजिए, उसमें एक परत पूरी डस्ट जमी हुई है, कम से कम आधा इंच की डस्ट है इसके अंदर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पूरे में हम क्या बताएं, कौन जिम्मेदार? हमको तो स्थानीय प्रशासन को दूसरा, अब किसी को हम कह नहीं सकते किसका दोष है, पर ये तो हम लोग को दिक्कत तो हो ही रही है, धूल के कारण बीमारियाँ हो ही रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है, धूल के कारण तो ये सब हो ही रहा है। रीवा में रोड निर्माण के वर्तमान समय में ज़्यादा धूल का प्रदूषण करते जाता है, जिससे आप और सांस लेने में परेशानी आ रही है। खासकर गुर्दे रोग वाले व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। सबसे खड़े हैं एग्जाम चक्कर, सबसे एग्जाम होता है जी मैम, सबसे खड़ी हूँ 10 मिनट आए हुए हैं। धन्यवाद। दिक्कत से पहली चीज़ ये है कि कोई यहाँ खड़ा नहीं होता है। आज 2 साल 2 साल 3 साल से रोड बन रहा है, खड़ा नहीं होता। अंदर जाके देखेंगे पूरी एक परत धूल बिछी रहती है, दिन में कम से कम 5 से 6 बार धूल बिछी रहती है। धूल आती ही है, कस्टमर कोई आता नहीं है, दुकान खुली है या बंद है कोई मतलब नहीं, कोई आता नहीं है। ये सड़क कब से निर्माण कार्य चालू हुआ है? अभी तो मैं 3 साल से रीवा में हूँ, तो 3 साल से कंटिन्यू निर्माण चल ही रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। कोई अभी कुछ दिख नहीं रहा, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, डेली धूल उड़ती है, ना पानी पड़ता है, कुछ पड़ता नहीं है। जब कोई नेता आते हैं तब पानी पड़ता है, नहीं तो पानी भी नहीं पड़ता है। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। YouTube में गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।